जॉन को सांप से बचाने के बाद बच्चे की जॉन से दोस्ती हो जाती है और जॉन उसका नाम जैक रख देता है, जिसके बाद दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगते हैं। अब रात में जब वो सोने के लिए रुकते हैं तो जॉन को अपने परिवार की याद आने लगती है। इधर जैक भी अपने जून को याद कर रहा होता है, तभी वो देखते हैं कि उन दोनों के ही परिवार उनसे बिछड़ गए होते हैं, इसलिए दोनों मायूस होकर आपस में लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन जब वो घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी बड़ी तेज से आंधी तूफान चलने लगता है। तभी जॉन को देखकर याद आता है कि ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ था जिस दिन उसके पिता उससे बिछड़ गए थे, इसलिए वो बहुत डर जाता है और एक पत्थर के पीछे जाकर लेट जाता है। अब जब वो पत्थर से निकलता है तो वो देखता है नदी बिल्कुल जम चुकी होती है और पत्ते भी सब झड़ गए होते हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं लग रहा होता है कि घर का रास्ता किधर से है, इसलिए वो घर नहीं जा सकते हैं। तभी कुछ उड़ने वाले डायनासोर का झुंड वहाँ पर आ जाता है, फिर उनमें से एक बताता है कि वो जंगल के रक्षक है, जिसके बाद जॉन उनसे उसके घर का रास्ता बताने में मदद के लिए कहने लगता है। तभी उनमें से एक डायनासोर लकड़ी में से गिलहरी को निकाल कर खा जाता है, जिसे देखकर जॉन और जैक दोनों डरकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उड़ने वाले डायनासोर उनका पीछा करने लगते हैं। जॉन अपनी पूरी स्पीड से भागने की कोशिश करता है। अब जब वो उनका खाना बनने वाले होते हैं तभी दो टीरेक्स भाई वहाँ आ जाते हैं और उन शैतानों को मारकर भगा देते हैं। जब जॉन और जैक को पता लगता है कि टीरेक्स अपने झुंड से बिछड़ गए होते हैं तो जैक उनकी गन सूखने लगता है।